नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में गोलियां चली हैं। दो वकीलों को गोलियां लगी हैं, जिसमें एक वकील का नाम विजय वर्मा बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें। दिल्ली के हजारी कोर्ट में पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले कर दिया गया। पहले वकीलों पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई और फिर वकीलों ने पुलिस वाहन आग के हवाले कर दिया है। मौके वारदात पर पुलिस बल पहुंची, मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्साई वकीलों की टोली शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। घटना शनिवार को घटी है। पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया और पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। आक्रोशित वकीलों ने पुलिस के एक वाहन, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वकीलों ने घटना का वीडियो बना रहे थे, लोगों के मोबाइल फोन तक तोड़ दिए और उनसे मारपीट की गई। विवाद की शुरुआत दोपहर 3 बजे करीब लॉकअप के बाहर पार्किंग को लेकर विजय नामक वकील से कहा सुनी हुई। वहाँ पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मामला भड़क गया। देखते ही देखते वही तमाम वकील इकट्ठे हो गए। वकीलों ने ट्रैफिक जाम कर दिया और पुलिस की एक गाड़ी समेत कई अन्य गाड़ी में आग लगा दी। वकीलों का आरोप है कि पुलिस की एक गाड़ी ने एक वकील की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस कर्मी ने वकील की पिटाई कर दी। 30,000 बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जय बिस्वाल ने बताया, पुलिस की एक गाड़ी ने वकील की गाड़ी में टक्कर मार दी। जब वकील ने एतराज जताया तो उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। उसकी ओर से फायरिंग नहीं की गई है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जो है वकील डटे हुए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।